अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि हमारी एक रोटी में क्या क्या पाया जाता है, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, उसके न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट क्या क्या हैं। अब हम लोग बात करते हैं बहुत ही बेहद ज़रूरी टॉपिक, वो है कि हम लोगों को एक दिन में कितनी रोटी खानी चाहिए। तो दोस्तों, रोटी आप लोग हमेशा कुछ जनरल शब्द सुनते होंगे, जैसा कि अगर कोई मोटा हो रहा है तो उससे कहा जाए कि भैया दो रोटी थोड़ा कम खाया करो, या फिर जो अगर कोई पतला है उससे कहेंगे भैया कुछ रोटी वोटी खाया करो। तो इस तरह से जो है हमेशा रोटी को कहीं ना कहीं से जोड़ा जाता है आपकी हेल्थ से। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं कि रोटी का हमारे वजन के बढ़ने और घटने में क्या रोल है। तो दोस्तों, आज इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो अगर मैं अपना क्वेश्चन दोहराऊं कि हम लोगों को एक दिन में कितनी रोटी खानी चाहिए, आपको कितनी रोटी एक दिन में खानी चाहिए, तो इसका पहला उत्तर तो यही होगा कि आपकी जितनी मर्जी हो। मैं कौन होता हूं कहने वाला कि आप कितनी रोटी खाएं, आपकी जितनी मर्जी है, आपकी जितनी भूख है आप उतनी रोटी खाइए। लेकिन यहाँ पर मैं क्या है, मेरा मकसद वीडियो का इतना है सिर्फ बनाने का कि मैं एक साइंस के हिसाब से मैं एक बताऊँ कैलोरी और जो कार्बोहाइड्रेट और जो है प्रोटीन, इसको मिला के एक पूरी गणित मिला के मैं आपको पूरा एक डिटेल बताऊं, जिससे कि आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कितनी रोटी खानी चाहिए। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी जो बॉडी की जो बेसिक डोज है कैलोरी की, मतलब मेंटेनेंस के लिए जो बेसिक डोज है कैलोरी की, वो है लगभग महिलाओं की बात करें तो 2000 कैलोरी और पुरुषों की बात करें तो 2500 कैलोरी जो है हम लोगों को डेली चाहिए अपने मेंटेनेंस के लिए। मतलब ऐसा मेंटेनेंस कि जिसमें ना हमारा वजन बढ़ाना है ना हमें घटाना है, अपने बॉडी को हमें कॉन्स्टेंट वेट रखना है और साथ ही साथ हेल्दी रहना है। तो उस केसेस में हमें इतनी कैलोरी तो चाहिए। अगर इससे कम लेंगे तो हमारा वजन कम होगा और इससे ज़्यादा लेंगे तो हमारा वजन बढ़ेगा। और इसको हम लोग प्लस माइनस 200 या 300 कर सकते हैं, क्योंकि जो ये कैलोरी इंटेक है, कैलोरी की जो रिक्वायरमेंट है, ये बहुत चीज़ों पे वैरी करती है। जैसे आपका वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, आपका बीएमआर कितना है, या फिर आप जो काम करते हैं वो कैसा, बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं, बहुत उसमें फिजिकल लेबर ज़्यादा रहता है, या फिर सिर्फ आप कुर्सी पर बैठे रहते हैं। फिर इस कैलोरी इंटेक को अगर हम लोग रोटियों से रिलेट करें, तो अगर जैसा कि मैंने बताया कि एक रोटी में 104 कैलोरी होती है, तो हम लोग सिंपली 100 कैलोरी मान लेते हैं। तो अगर आप जो है दिन में 10 रोटी खाते हैं पूरे दिन में, तो ये मान लीजिए कि आप जो है 50% आपकी कैलोरी जो है पूरा इंटेक रोटियों से ही मिल गया। आपका जो पूरी रोटियां, जो 10 रोटियां आपने खाई, उससे 50% आपको एनर्जी मिल गई, कैलोरी मिल गई। साथ ही साथ आपको उसके साथ में आपको रोटी के साथ साथ में आपको दाल भी खानी है, सब्जी भी खानी है, चावल भी खाना है, सुबह का नाश्ता भी लेना है, बीच में भी कुछ नाश्ता लेना है, और साथ ही साथ जो है कुछ स्नैक्स लेने हैं, और साथ ही साथ घी में कुछ अगर उसमें खाने में जो घी वगैरह डालते हैं वो भी, या फिर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग दिन में खाते हैं, उनकी भी कैलोरी रहती है। तो इस प्रकार से जो है अगर जो इतनी रोटी लेते हैं तो सभी चीज़ों में कैलोरी रहती है, तो हमारा जो कैलोरी इंटेक है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, और ऐसे केसेस में हमारा जो वजन लगातार बढ़ता है बहुत ही धीमे धीमे। अगर ज़्यादा कैलोरी नहीं लेते हैं तो धीमे धीमे बढ़ता है, लेकिन आपका धीमे धीमे जो वजन राइज करता रहता है, और 8-10 सालों में काफ़ी हद तक वजन बढ़ जाता है, आपको फैट काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, आपका बेली फैट बढ़ जाएगा, या फिर और जगह फैट जो है काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इस प्रकार से आप अपने आप को रिलेट कर सकते हैं कि आप कितनी रोटियां खाते हैं, और इसके अलावा और भी चीज़ें क्या क्या खाते हैं, उससे आपको कोरिलेट कर पाएंगे। और अगर आप जो है एक अच्छी बॉडी चाहते हैं, एक अच्छी फिजिक चाहते हैं, तो कैलोरी का जो है नॉलेज आपको होना चाहिए। कुल मिला के आपको कैलोरी का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए। अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए, और हम लोग बात करते हैं प्रोटीन के बारे में कि हम लोगों की प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारे डाइट में प्रोटीन सबसे ज़्यादा कमी होती है। तो प्रोटीन हम लोगों को कितनी चाहिए दिन में, प्रोटीन हम लोगों की चाहिए 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। मतलब अगर आपकी जो बॉडी का वेट है 60 केजी है, तो आपको जो है 60 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए। और प्रोटीन के जितने भी वेज स्रोत हैं अगर उनकी बात करें, तो प्रोटीन के साथ साथ उसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिससे हमें बहुत सारी कैलोरी मिलती है। जैसे कि दाल है, दाल की बात करें, अगर दाल लेते हैं तो दाल में प्रोटीन तो आपको मिल जाती है, लेकिन उसके साथ ही साथ हम लोगों को बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, जो बहुत सारी जिसमें बहुत सारी एनर्जी होती है। तो वही मैंने बताया कि जैसे कि रोटी के बारे में अगर रिलेट करें, तो अगर सिर्फ रोटी से ही, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप जो 8 या 10 रोटी लेते हैं, तो लगभग 50% आपको, लगभग 50% आपकी एनर्जी जो कैलोरी है वो रोटी से आ जाती है। साथ ही साथ आपको ये भी बहुत सारी चीज़ें लेनी है, तो आपका कैलोरी इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा जो है कॉन्शियस रहना चाहिए, थोड़ा सा जो है आपको अलर्ट रहना चाहिए कि हमारा कैलोरी इंटेक कितना हो रहा है। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं कि मेरा ओपिनियन क्या है
मेरी राय क्या है, मैं क्या सलाह देता हूँ कि जो है आपको कितनी रोटी खानी चाहिए। तो अगर आप एवरेज जो है आपका 60-70 केजी अगर वेट है आपका, तो आपको लगभग दोपहर में अगर जो लंच है उसमें आपको दो रोटियां खानी चाहिए और डिनर में एक रोटी खानी चाहिए। साथ ही साथ आपको बहुत सारी और भी चीज़ें लेनी है, इतने से आपका पेट नहीं भरेगा, क्योंकि इसमें इसके अलावा अगर आप वेज हैं तो आपको जो है कोई भी प्रोटीन सोर्स जैसे दालें वगैरह है वो लेना है, सब्जी भी लेना है, सलाद भी लेना है और उसमें घी भी डालना है। ये सब चीज़ों के करने के बाद आपको और भी चीज़ें लेनी है, जैसे कि फ्रूट्स भी लेने हैं, साथ ही साथ जो है आपको सलाद भी लेना है, आपको सुबह का नाश्ता भी लेना है, और जो इवनिंग में अगर कोई कुछ फ्रूट या जूस वगैरह लेना है या कोई भी स्नैक्स लेना है। इस तरह से आपका कैलोरी इंटेक मेंटेन रहेगा, क्योंकि जो है आप किसी और चीज़ों को कम करेंगे तो आपको नुकसान होगा। मतलब आपको अगर फल हटाएंगे अपने सेहत अपनी डाइट से तो आपको नुकसान होगा, सब्जियों को हटाएंगे तो नुकसान होगा, आप दालें वगैरह या प्रोटीन स्रोत को हटाएंगे तो नुकसान होगा आपको। हाँ, रोटी है जिसमें आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं, क्योंकि रोटी में जो कैलोरी है वो कहीं और से भी ले सकते हैं, तो रोटी में कमी कर देंगे तो आपकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपकी सेहत इम्प्रूव होगी। तो इस तरह से अगर आप अपनी डाइट बनाते हैं तो ये यकीन मानिए कि आपका जो वज़न है काफ़ी लंबे समय तक, मतलब कि आपकी एज बढ़ने के साथ साथ आपका वेट नहीं बढ़ेगा, आपका बेली फैट नहीं बढ़ेगा, आपका पेट नहीं निकलेगा और आपकी बॉडी जो है फिट रहेगी।